हाय फ्रेंड्स, मैं उदय भान। आज के इस वीडियो में हम फॉर जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टेबल प्रिंट कराएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो वेब टू प्रिंट अ टेबल्स फॉर ए नंबर्स यूजिंग फॉर अ लूप्स राइट ए प्रोग्राम्स वेब मीन्स राइट ए प्रोग्राम्स, हमें एक प्रोग्राम्स लिखना है कि जो यूजर्स यूजिंग करके किसका यूज करके लूप का यूज करके फॉर लूप का यूज करके हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें कोई यूजर अपना नंबर प्रिंट करे या नंबर दे कि इस नंबर का आपको टेबल बताना है। वो चीज़ हमें यहाँ पर प्रिंट, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। हमारा क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले हमारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम हर एक क्वेश्चन का लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये करना ही चाहिए क्योंकि लॉजिक बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एल्गोरिथम क्लियर है, एल्गोरिथम के बारे में आपको पता है, तो कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आप आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या भी इसका यूज करके कहीं भी किसी भी जैसे पाइथन C++ हर एक का लॉजिक एल्गोरिथम एक ही होता है। यदि हम किसी लैंग्वेज से अपना लॉजिक और एल्गोरिथम क्लियर कर लेते हैं तो हमें आगे किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो में हम लॉजिक के बारे में ध्यान देंगे कि इसका लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये लॉजिक हमें पता चल जाता है, एल्गोरिथम पता चल जाता है, तो हम आराम से वीडियो आराम से हम प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यदि हमें कोई यूजर नंबर देगा तो वह यूजर मान लो हमें कोई नंबर यूजर दिया टू दिया, अब उसे हमें उसका हमें टेबल करना लिखना है। तो टेबल उसका लिखने के लिए टू वन जा टू चलते हैं, देखते हैं यदि 2 दिया या 5 दिया। हम 5 लेते हैं क्योंकि हमें नंबर को लिखने में थोड़ा असुविधा हो रहा है क्योंकि हम माउस से लिख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं 5 लेते हैं। यदि कोई यूजर हमें 5 इंटर किया नंबर, तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, इस तरह हम क्या करेंगे उसे क्या करना है, इसमें हमें टेबल बताना है। तो इस तरह हम उसे टेबल लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हमें अब हमें क्या वेरिएबल लेना होगा सबसे पहले हम सोचें, उसके बाद में फिर क्या वेरिएबल लेंगे, क्या कितने वेरिएबल यूज करेंगे, कितना नंबर उनसे इंटर कराएंगे और किस लूप का यूज करेंगे जिससे हमें इजी लगे, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग यहीं पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम यूजर से क्या करेंगे, नंबर लेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो वेरिएबल होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कितना वेरिएबल हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट होता है प्रोग्रामिंग करने का कॉन्सेप्ट वो यही होता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें। तो सबसे पहले हम कोई यूजर से नहीं नंबर लेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल का यूज करेंगे। सेकंड, तो हमने 5 हम समझ लेते हैं, ये 5 हमारा जो है एक वेरिएबल हो गया, 5 के लिए हम एक वेरिएबल ले लिए। सेकंड, हम इसे लूप चलाएंगे, इसमें लूप चलाएंगे क्योंकि वही चीज़ हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। ये देखिए, वन टाइम हमने रिपीट किया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, हमें 10 टाइम तक इसे रिपीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हमने एक लूप के लिए वेरिएबल ले ली, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सेकंड क्या करेंगे, हमें ये वेरिएबल को कहीं दिखाना तो पड़ेगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल कहाँ स्टोर कराएंगे, उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे। तो एक वेरिएबल हम किसके लिए लेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे।
5, 10 और इसके लिए, तो हमें कितने वेरिएबल की यहाँ पर जो आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले यूजर से वेरिएबल लेंगे, उसको हम किसी भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले या क्या नंबर ले लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने नंबर ले लिया एन ओ नंबर से। सेकंड लूप के लिए हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है आई, ठीक, हमने लूप के लिए आई ले लिया। फिर थर्ड हमने इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के लिए हम क्या ले लेंगे, पी आर ओ ले लेते हैं, पी आर ओ, ठीक है, हम प्रोडक्ट के लिए ले लेते हैं। तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा। अब तीनों वेरिएबल का हम डाटा टाइप भी बताएंगे। अब तो हमारा, हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमें टेबल बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर नंबर देते हैं ज़्यादातर, तो हमने इंटीजर नंबर यहाँ पर डाटा टाइप क्या बताएंगे, यहाँ पर इंटीजर बताएंगे। ठीक है, अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर प्रिंट कराएंगे। तो हमने प्रोग्राम लिख रखा है, उसमें हम देखते हैं, जैसा कि तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बता रखे हैं कि हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, हमने तीन वेरिएबल लिया, पहला लिया आई, सेकंड हमने यन ले लिया, जो आई हमने लिया है किसके लिए, हमने आई लिया है लूप के लिए, यन लिया है हमने यूजर से नंबर एंटर कराने के लिए, और पी आर ओ डी प्रोड जो प्रोडक्ट के लिए हमने पी आर ओ डी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है। सेकंड हम यूजर को स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे कि इंटर ए नंबर, उसके लिए हमने प्रिंटअप का यूज करके इंटर ए नंबर एक लाइन न्यू लाइन में हमने बताया यूजर से कि आपको एक नंबर प्रिंट करना है। देन अब हम कीबोर्ड के माध्यम से वो नंबर इन करेंगे, तो उसके लिए हमने स्कैनअप का यूज किया, पर्सन डी, और उस नंबर को हमने कॉल कर रखा यन से। सेकंड हमने फॉर लूप का यूज किया, तो सबसे पहले फॉर लूप का यूज करने से पहले हमें फॉर लूप के बारे में इतना नहीं होता है, मतलब ये बात नहीं आती, तो सबसे पहले हम अंदर जो स्टेटमेंट है फॉर लूप का वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल टू, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट होगा उसका इक्वल टू, ठीक है, या यूजर से हम नंबर लेंगे, और जो हमारा कितने जितने बार हमारा लूप चलेगा वो नंबर चेंज होता रहेगा। हमने आई पहले से इनिशियलाइज कर रखा है, आई स्टोर होगा पहले टाइम में, सेकंड टाइम में एक इंक्रीमेंट हो, यहाँ से एक इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से इंक्रीमेंट होकर टू हो जाएगा, टू का प्रोडक्ट इसमें स्टोर होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर इनको हमने प्रिंट कराने के लिए यहाँ प्रिंटअप का यूज, फिर परसेंट डी, फिर मल्टीप्लाई का साइन, सेकंड परसेंट डी यूज कर रखा है क्योंकि परसेंट डी इंटीजर होता है, तीनों, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका इक्वल टू जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। फिर हमने कौन कौन सा नंबर कहाँ पर आना है उसको हम सीरियल में लिखेंगे, जैसा कि सबसे पहले एन लिखेंगे नंबर जो यूजर दिया रहेगा, उसके बाद में फिर हमारा सेकंड होगा आई, जो लूपिंग होगा लूपिंग से नंबर प्राप्त होंगे, सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो स्टोर होगा। देन हमने यहाँ पर प्रिंटअप का यूज करके हमने हर बार लाइन को न्यू लाइन में प्रिंट कराने की कोशिश की है, तो हमने न्यू लाइन के लिए स्लैश एन का यूज किया है, यहाँ पर प्रिंटअप स्लैश एन का यूज किया है। उसके बाद में हमने, अब इनको हमको कितना टाइम चलाना है, हमको इनको इनके लिए 10 टाइम चलाना है, ठीक है, ये जो हमारा प्रोसीजर है उसको 10 टाइम करना है, तो उसके लिए हमने फॉर लूप का यूज यहाँ पर कर लिया, और इसको एक स्टेटमेंट में यूज करके हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया, तो फॉर लूप का स्टेटमेंट लगाया और उसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद में गेट का यूज करके हम क्या किया, लिख दिए। अब यूजर हमारा एंटर करता है, 5 यूज करता है, तो यूजर यहाँ पर ऐसे स्क्रीन में लिखा होगा इंटर नंबर्स, और वो इंटर करेगा 5, उसके बाद में क्या होगा, ये ऐसे हमारा आउटपुट हमें इस तरह का दिखाई पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी,
और आप लाइक करेंगे, उसके बाद में कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और जय हिंद जय भारत, टेक केयर।